हेलो दोस्तों, अभी से शुरू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने आप से कुछ बातें करेंगे जो अक्सर मेरी आत्मा और मेरे बीच में चलती रहती है। वो मुझसे कहती है, अगर हमारा देश इस तरह से हो जाए तो क्या बात हो जाए। आज हम पहले तो ओबामा अटैक में जो शहीद हुए हैं जवानों को, उनको नमन करते हैं, और जो किसान आंदोलन में जो भाई शहीद हुए हैं उनको भी हम आज याद करते हैं। सबसे पहले हमें लगता है कि हम अपने नेता जो चुन रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है, वोट पै रही है, हमें अपना नेता चाहिएगा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम उनके जो वादे करते हैं वो हम नशा दूर कर देंगे देश में, हम अनपढ़ता दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा कर देंगे, ऐसा वैसा वो कुछ नहीं करते। ये तो हमारी ही जिम्मेवारी है। वो हमें जान चुके हैं कि हम कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं। सबसे पहले हमें अपना आप साफ करना होगा। अगर हम अपनी ड्यूटी अपनी आप से अच्छी तरह से निभाते हैं तो हर कोई हमसे डरेगा, तो उसे जो वादे किए हैं वो पूरे ही करने होंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा खुद का ही फर्ज बनता है कि हम अपने देश को अपना बनाएं, क्योंकि हम जब दूसरों के सामने ये इस तरह करते हैं, दो पैसे कमाने के लिए जो मिलावटें करते हैं, अच्छा अच्छा सामान नहीं देते लोगों को, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, क्या ये अच्छी बात है? तो हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमें शुद्ध दे? इसीलिए सबसे पहले हम ही अपने आप को बदलें। हमें जानना चाहिए कि हमारे ये समाज है, हमारे जो आसपास में पड़ोसी हैं वो ही हमारी सहायता करेंगे, वो ही हमें बीमारी के टाइम या कोई और आपदा के टाइम हमारी मदद कर सकते हैं, और कोई नहीं। ना ही हमें हमेशा पैसे के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारे जो अंदर के असूल हैं वो भी हमें अपने आप जगाने पड़ेंगे। जब हम कहते हैं कि भाई नशा नहीं बंद होता, पंजाब में नशा बहुत चल रहा है, क्या कोई मंत्री कह देता है कि मैं वोटों के दिनों में कह देता है कि मैं नशा बंद कर दूंगा, ये क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि उससे तो उसे इनकम होती है। अगर हमें अपना अपना देश को नशा मुक्त करना है तो हमें अपनी जिम्मेवारी आप निभानी होगी। सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। क्या करती हैं आजकल की माएं, सारा दिन बस टिकटॉक बना लो, ये कर लो, इधर इधर इधर, बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देती। इसीलिए सबसे पहले माँ बाप को ही चाहिए कि वो अपने बच्चों को पूरा पूरा टाइम दे। पैसा कोई जरूरी नहीं होता। आप जाकर देखो कितने माँ बाप इतने हैं कि जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, वो तरस रहे हैं, लेकिन हमारे पास हैं, हम उन्हें संभाल नहीं रहे। हमारी वो पीढ़ी है जिन्होंने आकर हमारे आगे का वंश बढ़ाना होता है, हमारे देश की नींव है, हमें उसे मजबूत करना है। उसे हम घर पर ही औरतें कर सकती हैं। आजकल कौन सी लेडी है जो पढ़ी नहीं है? सब कुछ इंटरनेट पे आता है, कोई किताबें लाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस खोलो, बच्चे को पढ़ाना, अच्छी अच्छी बातें शुरू करो। जब हम उसे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, वो हमारी बात एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, तो चौथी बार तो उसे सुननी ही पड़ेगी। इस तरह से उसे अच्छी अच्छी कहानियां, हमारी स्टोरी, हमारे जो बलिदान दिए हैं लोगों ने, उनके बारे में बताना चाहिए, और इससे जो बताते रहना चाहिए भी, इस नशे से जो इस तरह नुकसान होता है, पैसे की बर्बादी होती है, कैसे माँ बाप अपने बच्चों से आस करते हैं तो उसके बच्चे जो नशे में पड़ जाते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। इसीलिए उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, और ना कि उन्हें के साथ बैडली बिहेव करना चाहिए। सिर्फ फ्रेंड बन जाओ, अपने बच्चों के फ्रेंड बन जाओ, उससे कहो कि वो हमसे आकर हर एक बात शेयर करें, तभी ही हम अपने देश की जो नींव है उसे मजबूत करेंगे। एक दूसरे को अपना दोस्त बनाओ। पहले क्या करती थी औरतें, बच्चों को कहीं हिस्टोरिकल की कहानियां सुनाती रहती थी, दादी पोते को सुनाती रहती थी। आजकल क्या हो गया है,
दादी पोता पोते का तो नाता ही छूट गया है, इसीलिए ज्यादातर लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसा मत करो, हमारी जो हमारी संपत्ति है हमारे बुजुर्ग ही हैं, उनके पास बच्चों को खेलने दो, उनके पास बैठने दो, उसकी जानकारी लेने दो। जो हमारे हैं, हमारे स्कूलों में भी कोई ऐसा नहीं कि बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में ही पढ़कर बड़ा बनेगा। सबसे पहला तो स्कूल उसका घर ही होता है, उसके माँ बाप उसका परिवार ही होता है। जब उसके परिवार में जो वो देखेगा वही वो सीखता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही जानकारी दें, अपने देश के बारे में बताएं भी क्या हो रहा है। इससे हमें ठगते रहते हैं, आए इलेक्शन में कहते रहते हैं कि नशा बंद करा देंगे, ये दे के जो करते रहते हैं, हमसे ठगी मारते रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को ही पहले सुधारें। अगर कोई चीज बिक रही है तो ऐसे तो नहीं है कि वो अपने आप ही बिक रही है। अगर वो बिक रही है तभी तो किसी ने दुकान खोली हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम ही सबसे पहले उनका विरोध करना, अपने बच्चों को सिखाएं कि नशा कितना ही गलत है और क्यों नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में इतने स्ट्रांग हो कि तुम बुजदिल नहीं हो, हर एक मुश्किल का हल होता है। नशा की हर कोई मुश्किल का हल नहीं है, इसीलिए हर एक वस्तु का एक नहीं दो नहीं कई पहलू होते हैं, हर एक पहलू को जानो और उसका जो अच्छे से सलूशन निकालो, इसलिए जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात हमें कही जाती है जी हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या बात है। महिलाओं को अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि उसे हमें क्या किसी की जरूरत है। हमें अपना देश भी संभालना आता है, हमें अपना घर भी संभालना आता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपना देश नेता लोगों के हवाले कर देते हैं जिसे हम जानते नहीं, 5 साल के लिए उन्हें अपना कुर्सी में बैठा देते हैं, जो उनकी एजुकेशन भी नहीं होती, उनको क्या पता होता है क्या जरूरी चीजें होती हैं। पहले तो रोटी कपड़ा ही बंदे को चाहिए होता है, वो तो उसे मेहनत करके ही आता है। इसीलिए आप ये समझ ही रहे होंगे भी अगर हम मेहनत करते हैं तभी हमारे घर में रोटी बनती है। कोई दूर से आके या कोई नेता लोग या भाषणों से हमारा पेट नहीं भरता है। इसीलिए झूठे दिखावों में आना बंद करें। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ के लिए पहाड़ तोड़ डाला था, उसकी किसी ने भी मदद नहीं की थी, ना ही कोई पैसे से, ना ही कोई उसे दूसरे तरफ से या उसका काम में हाथ बटाया था। उसने क्या किया, अपने मन की शक्ति से उसे लगा कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ, तो उसने ये पहाड़ को हौली हौली धीरे धीरे एक करके 2 दिन 3 दिन इतने ही सालों में उसे तोड़ा। और बाद में जब वो टूटने लगा तो सबने उसकी सहायता करी। इस तरह जब हम शुरुआत करेंगे तो हमारे साथ दूसरे भी लग जाएंगे। इसीलिए हम बहनों से कहना चाहते हैं कि आपने पैसा कमाना है तो अच्छे तरीके से कमाए, ना कि गलत तरीकों से। आप अश्लील वीडियो बनाती हो उसे देखते हैं, आप तो फेमस हो जाती हो, आप तो बॉडीगार्ड रख लोगी, आपको तो कोई नुकसान नहीं होता। जो आप बनाती हो, आप जो आपकी वीडियो को देखते हैं वो उनमें जो कामना की वासना भर जाती है, तो वो छोटी बच्चियों को या और को इसका शिकार बनाते हैं। इसीलिए आपको जरूरी है, हाथ जोड़कर बेनती है कि आप ऐसा मत करें। वो छोटी बच्चियों का भी ख्याल करें जिन्हें अभी पढ़ना है, लिखना है, ऊंचे से जाना है। इस तरह से आप अश्लील वीडियो मत बनाओ, अच्छी अच्छी बनाओ, ताँ जो ऐसा कुछ भी हमारे देश में ना घटे। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से जाओ। अगर आपको कोई कहता है कि आपने ऐसे नहीं पहनना, ऐसे नहीं पहनना, तो आप उसे मौका ही मत दो। आप अपने अपने सदा अपना सिर ऊंचा करके इस तरह से चलें कि आपको कोई गंदी नजर से देख ना सके, अपना करेक्टर साफ सुथरा रखें। धन्यवाद।